हेलो स्टूडेंट्स तो टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 11.4 ऑफ योर चैप्टर कॉनिक सेक्शंस बट बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज सो हियर वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट अबाउट हाइपरबोला और स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा है इससे पहले आपने लिप्स के केस में सभी के सभी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं ठीक उसी तरह से यहाँ पर मैं आपको देखो हाइपर बताना चाहूँगा अभी मैं आपको हाइपर बताता हूँ हाइपर जो फोर्थ वाला सेक्शन था हमारा उसको अभी हम भूले नहीं हैं तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखें यहाँ पर तो आपका जो एसेंट्रिसिटी था ये ध्यान रखेंगे ई e की वैल्यू लेस देन वन है देखो ये वन माइनस समथिंग है और वहाँ पर ये ग्रेटर देन वन होती है किसके केस में हाइपर वोला केस में और यदि ये ग्रेटर देन वन हो जाएगी तो ये वापस खुल जाएगा और यही थी वो फिगर जो हमने अभी दिखाई थी थोड़ी देर पहले आपको और ये क्या थी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ लो ये यहाँ देख सकते हैं तो ये ऐसे आएगा किसी जो हाईपर बोला चौथे वाला केस है आपका ये आपका हाईपर बोला और इस केस में देखेंगे आपको तो मिलेगा फोकस एफ वन एफ टू लिख सकते हैं और डायरेक्ट्रिक्स कहीं पीछे आ जाएंगे आप देखिए कैसे चेंज होता है जो इक्वेशन होगी उसमें आपके मैं इसी के साथ एक कोरिलेट करके बताता हूँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर में प्लस की जगह माइनस होगा और ये कोई सा भी कोई से बड़ा हो सकता है करेक्ट है जो पॉजिटिव वाली एक्सिस है ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी जिसके ऊपर फोकस लाई करेगा और जो नेगेटिव वाले के साथ में जो एक्सिस आएगा वाई पर वाई के ऊपर जो है ये आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस होगी ठीक है तो ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो उसका वर्टिक्स है ये आपका एक ओमा जीरो और यहाँ पर माइनस एक जीरो लेंगे और इसका मतलब जो आपका ये सेंटर है और ये वाला प्लस ए ई कोमा जीरो और ये माइनस का ए ई कोमा जीरो फिर ई का वैल्यू पहले वाले की तरह है क्या नहीं थोड़ा सा फ़र्क है क्या फ़र्क है यहाँ पर आपका ध्यान रखेंगे मैं फार्मूले बता रहा हूँ डायरेक्ट ये आपका कितना हो जाएगा प्लस का आता है क्या आएगा प्लस का और इस केस में ई की वैल्यू ग्रेटर देन वन जरा ध्यान से तो देखो कितनी चीज़ें सेम रहेंगी बिल्कुल सारी चीज़ें सेम ध्यान से तो देखेंगे तो यहाँ पर भी आप सी लिख सकते हैं सी की वैल्यू में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये एक्सन में ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा माइनस ये कोई मायने नहीं रखती अब जब बोर्ड पे आप जो भी कुछ देख रहे हैं ये सारा किसके बारे में है हाइपर बोला के लिए रह गया ये लो ये हाइपर बोला है आप कहेंगे इसमें सर बाकी सारी सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें अभी अपनी मिटाई नहीं है तो मैं स्टार्ट करता हूँ देखिए ये आपको इक्वेशन दी होगी एक्स स्क्वार बाई ए स्क्वार प्लस वाई स्क्वा बाई बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वार प्लस की जगह माइनस आएगा इक्वल टू वन वॉटिक्स क्या होगा प्लस माइनस ए कोमा जीरो देखो वही जी मिल गया पहले वाला ही फोकस प्लस माइनस ए ही कोमा जीरो बिल्कुल देखो पहले वाला ही मिल गया फिर ई e की वैल्यू सी बाई ए सी की वैल्यू क्या है मैंने आपको यहाँ पर बताई सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट डायरेक्ट रखेंगे आप लोग और फिर क्या है आपका ई e की वैल्यू एसेंट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी जो है आपकी कितनी हो जाएगी जब सी की वैल्यू रखेंगे तो ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा इसके इसमें एक्सेंडी गेटर देन आएगी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ना बोल के क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस और ये कितनी होती है टू ए यहां से आता कितना आपका डिस्टेंस ए और यहां से आता डिस्टेंस कितना है ए तो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका टू ए इसी तरह लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ना बोल के इसका बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस और इसकी लेंथ लिखेंगे आप टू बी इक्वेशन ऑफ डायट्रिक्स कहाँ है यहाँ पर अरे ये भी आपकी चेंज नहीं होती देखिए ये होगी आपकी x इक्वल टू ए बाई ई और यहाँ x इक्वल टू माइनस ए बाई ई अभी देखेंगे ए से कम है डेफिनेटली ई e की वैल्यू वन से ग्रेटर है और यदि ए को आप किसी वैल्यू वन ग्रेटर देन वन से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितना होगा लेस देन ए ही होगा बिल्कुल ये कहीं यहीं ही लाई करेगी और नेक्स्ट क्या बचा आपका लेटस्ट रैक्टम ऑफ रेक्टम टू बी स्क्वायर अपने बिल्कुल सेम होगी और यहां मैं इसको हटा देता हूं ठीक है तो जो भी आपको यहां पर मिला सामने ये सारा आपका किसके लिए हो गया हाइपरबोला के लिए यहां पर आप देखेंगे एक्स एक्सिस तो जब हम इलिप्स बनाते थे देखिए वो किसी ऐसी आती थी, yes or no? Clear है? तो यहां पर क्या करना इस इलिप्स को यहां से यहां से तोड़ दीजिए यहां से दो पार्ट में डिवाइड कीजिए अब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दोनों को उलट के रखते हैं हम लोग चलिए रखते हैं ये जो दो पार्ट बने थे हमारे इलिप्स के कैसे यहां से काट के तो एक पार्ट ये था एक पार्ट ये इनको दोनों को मॉडल देता हूँ ये ऐसे हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा तो ये जो ये सेफ है दिस इज कॉल्ड हाई बोला क्या बोला हाइपरबोला। बोला तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसा पैराबोला के केस में था यहाँ से यदि हम लाइट डालते हैं पहला टू द एक्सेस तो जहाँ वो इकट्ठी होती है कंसनट्रेट होती है वो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द पैराबोला उसको हम क्या कहते थे फोकस तो यहाँ भी ठीक यह, है ये पार्ट ऑफ पैराबोला ये तो इसका यह मतलब यहाँ पर दो फोकस होंगे प्लर ऑफ फोकस ही फोकाई तो यहाँ पर टू फोकाई बोल सकते हैं हम लोग ये आपका सेंटर होगा इस पूरी की पूरी सेप का और डायरेक्ट्रिक्स आपको मालूम है एक लाइन होती है जो परपेंडिकुलर द एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है तो यहाँ दो पैराबोला है तो दोनों के लिए दो अलग अलग डाइट एक्स होंगे तो चलिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये होती है आपको जैसा हमने बताया था बेसिक वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन यहाँ पर ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से इसका कोई मैटर नहीं करेगा तो फिर क्या मैटर करेगा यहाँ पॉजिटिव कौन सा है एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है या वाई स्क्वायर का इट माइट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्ल टू वन तो वहाँ वाई स्क्वार वाला टर्म पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है वाई स्क्वार वाला टर्म नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस होगी और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका सेंटर हो गया ये जीरो जीरो हो गया फिर जो इसके वर्टिक्स हैं ये इधर वाला ए कोमा जीरो होगा ए की वैल्यू यहाँ से देखेंगे आप बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जो गिवन इक्वेशन को से इक्वेट करके और ये आपका कितना होगा माइनस एक कोमा जीरो होगा अब जो एक्सेंट्रिसिटी निकालेंगे हम इसकी एक्सेंट्रिसिटी वो होती है वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके केस में होती थी ये इलिप्स के केस में होती थी तो डिफरेंस क्या है यहां पर देखिए वहां पर इलिप्स के केस में यहाँ प्लस होता था तो यहाँ माइनस है यहां माइनस होता था यहाँ प्लस है ध्यान रहे इसके लिए जो एक्सेंट्रिसिटी होती है वो ग्रेटर देन वन होती है ऑलवेज और जो कि इलिप्स के लिए क्या होती थी लेस देन वन और पैराबोला के लिए मैं बता दूँ इक्वल टू वन ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन लिखते हैं वंस यू नो द वैल्यू ऑफ एक्सेंट्रिसिटी तो इसका जो फोकस हो ये होगा आपका ए ई कोमा जीरो और इधर क्या हो जाएगा माइनस ए ई कोमा जीरो फिर क्या चेक करेंगे आप लोग इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई और क्या बचा आपका एक बताया लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम ये बिल्कुल ठीक है इलिस्ट की तरह ही है तो ये जो ए बी लेंथ है चाहे यहाँ से निकालें या यहाँ से निकालें तो ये आपकी होगी बी स्क्वायर पॉइंट टू बी स्क्वायर ही जो कि आपका एलिप्स के केस में आता था तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग मैं इसके लिए लिखूँगा ये इस एक्सिस पे बना है हाइपरबोला, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये कितनी हो जाएगी आपकी देखिए टू ए और दूसरा होगा जो परपेंडिकुलर टू दिस यानी वाई एक्सिस पे जो है ये आपके आ जाएगा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए क्या आएगा बी तो ये हो जाएगी आपके ट्वाइस ऑफ बी एक्सिस ऑफ हाइपरबोला क्या होगी एक्सिस ऑफ हाइपरबोला एक्सिस ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस और यदि बोले इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ तो दैट इज वाई इक्वल टू जीरो फिर यहाँ पर आएगा आपका फोकस इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए प्लस माइनस ए कोमा जीरो फिर वर्टिक्स देखिए ये होगा ये अच्छा फोकस का होता है प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो पहले वर्टिक्स ही बता देता हूँ वर्टिक्स प्लस माइनस ए कोमा जीरो फिर फोकस का देखेंगे तो क्या बनेगा फोकाई है दो फोकस है यहाँ पर वर्टिक्स भी दो हैं एक प्लस के साथ में एक माइनस के साथ में ऐसे ही फोकाई भी दो हैं आपके एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ तो इसी को प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो कहेंगे फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मैं यहाँ पे दे दूँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी आपकी ये होगी आपकी x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई प्लस माइनस ए अपॉन ई क्योंकि ये आपका एक आपका ओरिजिन से राइट में आएगा एक लेफ्ट में आएगा और ध्यान रहे मैं किसी के पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर सेंटर आपका ओरिजिन पे है और एक लास्ट बचता है आपका क्या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो ये लिख देता हूँ मैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और ये होता है आपका टू बी स्क्वायर अपॉन ए टू बी स्क्वायर अपॉन एट इज़ सेम एज दैट इन केस ऑफ इलिप्स तो स्टूडेंट मेन सभी के सभी जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं आपके तो इन वैल्यूज को नंबर देता हूँ ये नंबर वन ये नंबर टू ये नंबर थ्री ये नंबर फोर ये नंबर फाइव ये नंबर सिक्स ये नंबर सेवन और ये नंबर एट टोटल एट हमने टर्म्स निकाले हैं विद हेल्प ऑफ द गिवन इक्वेशन अब जो ये तो आपका केस वन था पहला केस फर्स्ट दूसरा क्या हो सकता है इस केस में यहाँ पर केस सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको आपको इक्वेशन ऐसे भी दे सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह है वाई स्क्वायर वाला पॉइंट दे, दे देंगे वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस है एक्स स्क्वायर पॉइंट बी स्क्वायर देखिए ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से डजेंट मैटर यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि कौन सा टर्म आपका पॉजिटिव के साथ में है तो यहाँ पे वाई वाला पॉजिटिव दिया हुआ है तो इस केस में क्या होगा इस केस में जो आपका हाइपर बनेगा वो ऐसे बनेगा देखो ठीक है और यदि ऐसे हाइपर आपका बना ध्यान दें स्टूडेंट्स तो यहाँ ये डायरेक्टिक्स हो जाएंगी ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो जो आपका फोकस आएगा यहाँ पर देखिए ये होगा ज़ीरो a. a ए जीरो ए और ये होगा जीरो कोमा माइनस ए और ये हो जाएगा वाई इक्ल टू ए अपॉन ई और ये हो जाएगा वाई इक्ल टू माइनस ए अपॉन ई ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई और जो सेंटर है आपका ज़ीरो जीरो है फिर क्या रहा आपका इस देखते हैं ये आपका हो जाएगा ज़ीरो कोमा ए और ये जीरो कोमा माइनस ए और अभी हम बाकी के एट आउट ऑफ एट टर्म्स डिस्कस करते हैं सर ध्यान से तो देखिएगा ये जो पहले टर्म की वैल्यू है ये बिल्कुल सेम रहेगी वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट और सेकेंड टर्म देखिए लेंथ ऑफ तो ट्रांसफर सेक्सिस डिज टू तो ए और ये वाली यहाँ पर क्या आ जाएगी ये टू तो बी आ जाएगी यानी नो चेंज और फिर यहाँ पर देखेंगे तो एक्स एक्सिस की बजाय ये वाई एक्सिस हो जाएगा वाई एक्सिस की एक्सिस होगी और इक्वेशन ऑफ एक्सी यदि बोलेंगे तो यदि एक्स इक्वल टू जीरो फिर यहाँ पर देखेंगे जो वर्टिक्स है ये क्या हो जाएगा कि इसमें इसके में जीरो कोमा प्लस माइनस ए हो जाएगा और जो फोकस है ये हो जाएगा आपका जीरो कोमा प्लस माइनस ए और जो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायट्रिक्स है ये वाई इक्ल टू प्लस माइनस ए अपॉनी आप देख सकते हैं प्लस वाला ये रहा और माइनस वाला ये रहा और लास्ट आपका जो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज नथिंग बट टू बी स्क्वायर अपॉन ए तो स्टूडेंट ये सभी आपके कॉन्सेप्ट है दोनों केस में हमने आपको बताए और वन से योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर सो नाउ यू कैन प्रोसीड टू द एक्सरसाइज और ये आपके 11.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज इज वन टू सिक्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई द वर्टिस द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपर तो आपसे पूछा है पहला तो पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई फिर पूछा है कॉर्डिनेट ऑफ वर्टिस और फिर इसके बाद एसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू और फिर आपसे पूछा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और ये वैल्यू देखते हैं तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है यहां पर एक्स स्क्वायर बाई सिक्सटीन माइनस वाई स्क्वायर बाई नाइन इक्वल टू वन तो देखिए ये फॉर्म हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन फोर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन थ्री का स्क्वायर इक्वल टू वन तो इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको ए की वैल्यू मिलेगी फोर और बी की वैल्यू मिलेगी थ्री और इससे आप एसेंटिसिटी निकाल लीजिएगा वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसका अंडर रूट तो ये हो जाएगा आपका फोर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट करें तो ए आ जाएगा तो ये हुआ आपका हो फोर हजार सिक्सटीन प्लस थ्री थ्री हजार नाइन का रूट अपॉन ए की वैल्यू फोर दैट इज नथिंग बट ट्वेंटी फाइव का रूट फाइव अपॉन फोर और अभी देखिए आप लोग ए ई e की वैल्यू निकालिएगा यहाँ पर ए की वैल्यू फोर है ये फाइव अपॉन फोर तो ए e की वैल्यू आपकी फाइव आ गई एंड जो बी स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू देखेंगे length of, length of के लिए तो वो क्या हो जाएगी आपकी ट्वाइस ऑफ बी बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन अपॉन और ए की वैल्यू है कितनी फोर तो ये हो जाएगा आपका एटीन टू तो नाइन बाई टू चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जो आंसर देना है जो तो ये होगा आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है यानी कि फर्स्ट केस है आपका देखिए ये फर्स्ट वाला केस है तो यहाँ देखो एक्स स्क्वार बाई ए स्क्वार माइनस बाई बी स्क्वार है प्लस माइनस ए ई जीरो होगा ए की वैल्यू आपके पास है कितनी वैल्यू है ये ये है आपकी फाइव तो प्लस माइनस फाइव कोमा जीरो अभी जो वर्टिक्स पूछा है ये प्लस माइनस ए कामा जीरो होगा ए की वैल्यू कितनी है ये फोर तो ये आएगा आपका प्लस माइनस फोर कोमा जीरो ई की वैल्यू कितनी है ये वैल्यू आएगी आपकी फाइव बाई फोर और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है जिसे तो इसी नाइन बाई टू यूनिट तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन और अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ ये आपका प्लस माइनस फाइव कोमा जीरो है ये आपका वर्टिक्स हुआ तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्वेश्चन दी है यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई नाइन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ट्वेंटी सेवन तो ये जगह आपका वाई स्क्वायर बाई नाइन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ट्वेंटी सेवन तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ट्वेंटी सेवन इक्वल टू वन तो, तो इससे हम लिख सकते हैं तो ये थ्री थ्री या नाइन हो जाएगा और ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री का स्क्वायर ये आपका वाई स्क्वायर अपॉन है ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन है कंपेयर करेंगे किससे सेकेंड वाला जो आपका केस है इसमें देखिए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन तो यहाँ पे आपको मिलेगा कंपेयर करने पे देखिए ए की वैल्यू कितनी है तो यहाँ पे ए की वैल्यू थ्री है और जो बी की वैल्यू है थ्री रूट थ्री है और इस तरह तो आप देखेंगे तो ई e की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये थ्री का स्क्वायर नाइन और ये कितना हो जाएगा आपका ट्वेंटी सेवन अपॉन ए की वैल्यू कितनी थी आपकी थ्री और ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन ये थर्टी सिक्स का रूट सिक्स हो जाएगा तो सिक्स अपॉन थ्री इसकी वैल्यू आएगी आपकी टू और यहाँ देखें तो ई की वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ पर थ्री हो जाएगी ई e की वैल्यू आपकी टू आई है तो ये आपका सिक्स हो गया फिर टू बी स्क्वायर अपॉन ए देखेगा टू और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ट्वेंटी सेवन है और अपॉन ए की वैल्यू आपकी कितनी थी ये ट्वेंटी सेवन हुआ और ये आपका थ्री तो थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन और ये टू नाइन जा एटीन ये आपके एटीन आया चलिए वैल्यू सभी स्टूट करते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है ये सेकेंड वाला केस है तो इसका देखो यहाँ पर फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपका होगा जीरो प्लस माइनस ए ए इंटू ई ये जीरो प्लस माइनस ए हो जाएगा तो एफ के कोऑर्डिनेट हुए आपके जीरो कॉमा प्लस माइनस और ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी देखिए डैट इज सिक्स और ये हो जाएगा आपका वटिक्स प्लस माइनस ए इसकी वैल्यू होगी जीरो प्लस माइनस थ्री ई की वैल्यू हमारी कैलकुलेट करने पर आई थी अभी अभी टू यूनिट और जो आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ये होगा आपका सिक्स नहीं एटीन तो ये एटीन यूनिट होगा तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू अभी क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा और थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है देखो नाइन वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सिक्स नाइन वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सिक्स स्टूडेंट यहां पर थर्टी सिक्स है थ्रो आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी देखिए वाई स्क्वायर यहां पर आएगा आपका वाई स्क्वायर बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई नाइन इक्वल टू वन और इसे आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई टू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई थ्री स्क्वायर इक्वल टू वन कंपेयर करेंगे ये इसी के साथ में सेकंड वाला पार्ट ये वाला फॉर्म बना सेकंड केस तो ए की वैल्यू आपके यहाँ पर देखो टू आ जाती है और बी की वैल्यू कितनी आएगी ये आपका थ्री आ गया और ये वैल्यू आ गई आपकी टू स्वायर प्लस थ्री स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर तो कितना बना आपका नाइन और फोर थर्टीन का रूट हो जाएगा ऊपर तो देखो और नीचे जो आएगा आपका टू ए की वैल्यू कितनी थी टू आ जाएगा तो ये रूट थर्टीन बाई टू आंसर आया ई के लिए अब ए की वैल्यू रखेंगे देखो ए की वैल्यू आपकी टू है और ई की वैल्यू रूट थर्टीन बाई टू है टू टू कैंसिल हो जाएगा तो ये रूट थर्टीन आ जाएगा और यहाँ देखेंगे तो टू बी स्क्वायर अपॉन ए तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर बी की वैल्यू थ्री तो बी स्क्र की वैल्यू नाइन अपॉन ए की वैल्यू टू टू से टू कैंसिल कर दीजिएगा ये आपका नाइन हुआ चलिए वैल्यू रखते हैं ये होगा ए की वैल्यू रूट थर्टीन और थोड़ा ठीक से लिख देते हैं इसको देखो रूट थर्टीन और जो वी है वटिक्स इसके लिए ये प्लस माइनस ए ए की वैल्यू टू तो ये आपका प्लस माइनस टू हो जाएगा और ई की वैल्यू जैसे हमारी आई थी रूट थर्टीन अपॉन टू और लेंथ ऑफ लेटर एस्टम इज नथिंग बट नाइन यूनिट तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर थ्री अभी क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा यहाँ दिया है सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव सेवेंटी सिक्स फाइव सेवेंटी सिक्स तो जब आप फाइव सेवेंटी सिक्स को तो देखिए डिवाइड करेंगे सिक्सटीन से तो फाइव सेवेंटी सिक्स सिक्सटीन से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट और ये अभी कितना बचा आपका ये नाइन्टी सिक्स बचेगा और नाइन्टी सिक्स सिक्सटीन सिक्स जा और इसी तरह से जब फाइव सेवेंटी सिक्स को आप नाइन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा आपका नाइन सिक्स जा और नाइन फोर जा तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन थ्रू से फाइव सेवेंटी सिक्स से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन और 16 से डिवाइड करने पर बाद आपका थर्टी सिक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नाइन से डिवाइड करने पर बाद आपका सिक्सटी फोर इक्वल टू वन और ये फॉर्म बन जाएगा आपकी सिक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका एट का स्क्वायर इक्वल टू वन ध्यान रहे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर का मतलब ये केस वन हुआ यानी आपको किससे कंपेयर करना होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन से आप कंपेयर करेंगे पहले वाला केस देखिए और उस केस के फॉर्मूले सब नीचे लिखे हुए हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू देखेगा ए की वैल्यू आती है आपकी सिक्स और बी की वैल्यू आएगी आपकी एट और अभी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर और नीचे आपका ए का वैल्यू कितना था सिक्स और ये वैल्यू आपका टेन हो गया हंड्रेड का अंडर रूट करेंगे तो टेन हो जाएगा और टेन बाई सिक्स जिसको आप लिख सकते हैं फाइव बाई थ्री और स्टूडेंट यहाँ ए यहां, A -E की वैल्यू निकाल रहे हैं अभी देखिए हम लोग जो ए की वैल्यू है आपकी सिक्स थी और ई -E की वैल्यू अभी फाइव बाई थ्री आई है तो थ्री टू जाए ये आपका टेन हो गया इधर लेंथ ऑफ लेटर देखिए टू बी स्क्वायर अपऑन ए तो यहाँ पर टू और बी स्क्वायर की वैल्यू है सिक्सटी फोर अपॉन ए की वैल्यू है आपकी सिक्स तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कितनी वैल्यू आती है टू थ्री जा तो ये वैल्यू आई आपकी सिक्सटी फोर बाय थ्री और अभी हम देखेंगे यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगी ये होगी आपकी फर्स्ट केस वाला लगाएंगे फॉर्मला प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो जो पहला केस है उसमें क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बाई ए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाला फॉर्म है और ये क्वेश्चन नंबर आपका फोर है और यहाँ पर ये आपका पहले वाला केस के लिए तो फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने टेन कोमा जीरो और फिर ये वाला फॉर्मूला बदल जाएगा पहले केस में देखेगा यहाँ पर ये आपका v प्लस माइनस ए कोमा जीरो तो प्लस माइनस ए कोमा जीरो और ये a की वैल्यू कितनी थी सिक्स तो ये हो जाएगा प्लस माइनस सिक्स कॉमा जीरो और e की वैल्यू अभी भी हमने कैलकुलेट किया तो दैट इज फाइव बाई थ्री और जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है दैट इज नथिंग बट ए टू बी स्क्वायर अपॉन ए टू बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू है आपकी सिक्सटी फोर तो ये हो जाएगा सिक्सटी फोर बाई थ्री सिक्सटी फोर बाई थ्री यूनिट तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर अभी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिएगा यहाँ पर आपको दिया गया है फाइव वाई स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर ध्यान दीजिएगा फाइव वाई स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर एक इक्वल टू थर्टी सिक्स तो क्या हो जाएगा ये इसे हम लिखेंगे देखो वाई स्क्वायर हम दोनों तरफ थर्टी सिक्स से डिवाइड करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका फाइव वाई स्क्वायर बाई थर्टी सिक्स माइनस और ये एक्स स्क्वायर बाई नाइन फोर जब होता है तो फोर हो जाएगा इक्वल टू वन और जब हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा आपका देखो सिक्स अपॉन रूट फाइव का स्क्वायर फाइव को मैं नीचे ले आया थर्टी सिक्स के नीचे और उसका स्क्वायर uh, करके जो जो अंडर रूट किया स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए वो थर्टी सिक्स बाई रूट फाइव हो जाएगा इधर इसके लिए टू हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका वाई स्क्वायर और जब हम कंपेयर करेंगे तो ये सेकेंड वाली फॉर्म बनेगी देखिए तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो ए की वैल्यू है ये आपकी सिक्स बाई रूट फाइव आती है और जो बी की वैल्यू है ये आपकी यहाँ पर टू आती है और अभी ई e की वैल्यू निकालनी है यहाँ तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी थर्टी सिक्स बाई फाइव तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ ऐसे करूँगा थर्टी सिक्स अपॉन रूट फाइव का स्क्वायर तो सिक्स अपॉन रूट फाइव का स्क्वायर थर्टी सिक्स अपॉन फाइव प्लस बीस कार की वैल्यू आपकी फोर है होल डिवाइडेड बाय और ये आएगा सिक्स बाई रूट फाइव ये आएगा सिक्स बाई रूट फाइव चलिए इसको छोड़ करके लिखते हैं और तो देखिए ध्यान से देखें यहाँ पर तो ये होगा थर्टी सिक्स और फाइव का जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा फोर से ट्वेंटी हो जाएगा तो ये होगा आपका थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी तो ये फिफ्टी सिक्स का रूट अपॉन ट्वेंटी का रूट फाइव का रूट अपॉन रूट फाइव और नीचे जो आएगा ये आपका सिक्स अपॉन रूट फाइव हो जाएगा रूट फाइव गेट कैंसिल तो आपको मिलेगा यहाँ पर रूट फिफ्टी सिक्स अपॉन सिक्स और इसको चाहें तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं ये आपका हो जाएगा देखो रूट फिफ्टी सिक्स को लिख सकते हैं, आप टू रूट और ये हो जाएगा आपका सिक्स तो थ्री जा कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा आपका रूट फोरटीन बाई थ्री और uh, अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो ए की वैल्यू है यह फाइव बाई रूट फाइव सिक्स बाई रूट फाइव और जो सिक्स बाई रूट फाइव और जो ई की वैल्यू है ये अभी हमने कैलकुलेट की थी तो आई थी आपकी फोर्टीन रूट फोरटीन बाई थ्री तो ये हो सकता है आपका थ्री टू जा और ये होगा टू रूट फोरटीन अपॉन रूट फाइव और अभी हम लोग देखेंगे टू बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम ये टू इन और बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी फोर अपॉन ए की वैल्यू है सिक्स बाई रूट फाइव सिक्स नीचे लिखता हूँ रूट फाइव ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर थ्री हो जाएगा तो ये आएगा फोर रूट फाइव बाई थ्री अभी हम आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है उसने फोकाए और इसके लिए देखो कौन सा केस है आपका सेकंड केस है सेकंड केस में क्या हो जाएगा ये जीरो प्लस माइनस ए और ये कितना हो जाएगा जीरो प्लस माइनस ए तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी देखिए होगा जीरो कोमा प्लस माइनस और ए की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमारी टू रूट फोर्टीन अपऑन रूट फाइव और जो वर्टिक्स है, ये है आपका जीरो प्लस माइनस अरे ए की वैल्यू थी सिक्स बाई रूट फाइव अब ई की वैल्यू देखिएगा ये फोर्टीन बाई थ्री है रूट फोर्टीन रूट फोर्टीन बाई थ्री है और लेंथ ऑफ लेटर आपका आया था कितना फोर रूट फाइव अपॉन थ्री तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर फाइव अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं यहाँ देखते हैं कि आपको दिया हुआ है ये फोर्टी नाइन वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर फोर्टी नाइन वाई स्क्वायर माइनस सिक्स सिक्सटीन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये है सेवन एटी फोर तो देखिए हम लोग सेवन एटी फोर को डिवाइड करते हैं यहाँ पहले तो सेवन एटी फोर को फोर्टी नाइन से डिवाइड कर रहे हैं पहले तो कितना हो जाएगा ये ये देखिए आपका बनता है फोर्टी नाइन वन जा तो 49 नाइन ही हो गया और ए, कितना बचता है ये आपका यहाँ पर नाइन हो गया और इधर कितना बचता है यहाँ टू हो गया और अभी कितना बचेगा यहाँ पर आगे ये फोर था तो टू नाइन्टी फोर और अभी हम क्या करेंगे सिक्स जा तो ये आपका टू नाइन्टी फोर हो जाएगा तो ये तो सिक्सटीन जा चला गया और फिर इसके बाद सिक्सटीन से करेंगे तो फोटी नाइन हो जाएगा तो चलिए इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन जब सारे में हम लोग सेवन एटी फोर से डिवाइड करेंगे यहाँ पर राइट साइड में वन बन बनाने के लिए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन और एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा फोर्टी नाइन इक्वल टू वन इसको कि हम लिख सकते हैं कैसे ये फोर का स्क्वायर हो जाएगा और ये सेवन का स्क्वायर हो जाएगा तो स्टूडेंट किससे कंपेयर करेंगे फिर से ये बिल्कुल आपके सेकंड वाली फॉर्म बन जाएगी और यहाँ पर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपके पास है ये फोर है और ये सेवन है तो चलिए फोर स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर फोर स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा ई e की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम देख देखिए और ये ये होगा फोर फोर जै सिक्सटीन प्लस फोर्टी नाइन का रूट अपॉन ए की वैल्यू क्या है आपकी फोर और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा ये फाइव हो गया और ये सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव का रूट अपॉन फोर अब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो देखें यहाँ पर ए की वैल्यू में ए की वैल्यू आपकी फोर है और ए की वैल्यू सिक्सटी फाइव बाई फोर तो फोर फोर कैंसल तो ये वैल्यू होगी रूट सिक्सटी फाइव अभी हम लोग लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टर निकाल रहे हैं ये टू बी स्क्वायर बी स्क्वायर बोले तो फोर्टी नाइन अपॉन ए की वैल्यू फोर तो ये हो जाएगा आपका फोर्टी नाइन बाई टू अब हम इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो फोका के कोऑर्डिनेट होंगे आपके जीरो कोमा प्लस माइनस और ए की वैल्यू आई आपकी रूट सिक्सटी फाइव इसी तरह आपका वर्टिक्स के लिए हो जाएगा जीरो प्लस माइनस और ए की वैल्यू आपकी फोर अब ई की वैल्यू जब देखिए आप लोग यहाँ पर दिया आपका सिक्सटी फाइव का रूट अपॉन फोर और लेंथ ऑफ आपका फोर्टी नाइन बाई टू यूनिट तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर और ध्यान रहे ये फाइव नहीं सिक्स है क्वेश्चन और अभी हम लोग सेवंथ क्वेश्चन पे चल रहे हैं और सेवंथ क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन चेंज किए हैं उन्होंने इन ईच ऑफ द द एक्सरसाइज टू इक्वेशन ऑफ द हाई पर गिवन कंडीशन और यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दी है देखिए पहले से स्टार्ट करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिएगा आप लोग यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट एक्स दिया आपका प्लस माइनस टू कॉमा जीरो इज क्या है आपका प्लस माइनस टू कॉमा जीरो और फोकाई दिया है आपका प्लस माइनस थ्री कॉमा जीरो अब जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट यहां पर आपका जो फोकाई है और जो वट एक्स है दोनों किस एक्सिस प्लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और ए, आप देख सकते हैं कि ये आपका यदि मैं कंपेयर करूं कि इससे वी प्लस माइनस ए कोमा जीरो और f प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो जैसा कि आपका पहले वाले केस में हमने दे रखा देखो v और f दोनों की वैल्यू आपके सामने है तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी टू आ जाएगी और जो ए ई की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी ये थ्री हो जाएगी तो आप देख सकते हैं आपका एक्स एक्सी के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब जो है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस ये आपका हाइपरबोला का इक्वेशन होगा तो अभी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी यहां पर ए और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की ए स्क्वायर ए की वैल्यू आपको दी हुई है बी स्क्वायर निकालने के लिए हम फॉर्मुला यूज करेंगे अपॉन ए स्क्वायर का रूट जो कि हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अपॉन ए स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं जो ए की वैल्यू जो मैं इसको यहां ले आऊं तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट या और रखें तो मैं स्क्वायर कर देता दोस्तों तो ए ई का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलिए सब इस करते हैं तो ए ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन इक्वल टू और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है फोर प्लस बी स्क्वायर की आपको चाहिए एम्प्लाइज बी स्क्वायर की वैल्यू होगी नाइन माइनस फोर इक्वल टू फाइव तो पुट कर देते हैं पुट ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आप पुट करें ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ये आपके फोर एंड बी स्क्वायर इक्वल टू आया आपका फाइव फाइव ओनली फाइव स्क्वायर इक्वल टू फाइव इन इक्वेशन नंबर वन तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी भाई ये होगी आपके एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई फाइव इक्वल टू वन तो इसमें ये है आपकी फाइनल इक्वेशन और योर क्वेश्चन नंबर सेवन और uh, यहाँ पर आप देखेंगे इधर रखना शुरू करेंगे हम क्वेश्चन को और अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट तो यहाँ पर आपका मिलेगा देखिए यहाँ प्लस नहीं है ये प्लस नहीं है ये आपका माइनस है इलिप्स के केस में प्लस होता है यहां पर ध्यान रखेंगे तो अभी हम क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे तो एट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जो वर्टिक है ये दिया गया है आपको कितना जीरो प्लस माइनस फाइव और फोकाई दिया हुआ है जीरो प्लस माइनस एट तो देखो कंपेयर करेंगे आप किससे जीरो प्लस माइनस ए से और ये एफ को किससे कंपेयर करेंगे जीरो प्लस माइनस ए ई से कंपेयरिंग विद तो आपको क्या मिलेगा देखो यहाँ पर ए की वैल्यू मिलेगी आपको फाइव और, e और ए ई की वैल्यू मिलेगी आपको एट और आप देखेंगे यहाँ पर क्योंकि ये, ये, ये वाई एक्ससी के ऊपर लाइक कर रहा है आपका वर्टिक्स और फोकाई भी आपकी वाई एक्सिस पर लाइक करती है तो ये कौन सी वाली फॉर्म हो जाएगी ये सेकेंड वाली फॉर्म होगी तो इक्वेशन बदल दीजिएगा यहाँ पर क्या बनेगा ये होगा आपका वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन अब यहाँ पर ई की वैल्यू ये फॉर्मूला हमारा सेम जो का ये हमने बताया था कि इस तरह से हम लोग जब रखते हैं तो फायदा हो जाता है आपका कि जो आपका पॉजिटिव वाला इसको हमेशा ए लेते हैं हम लोग कई बुक में इसको उल्टा भी दिया होता है लेकिन हम हमें तरीके को लेकर चलते हैं इससे आपका ये फार्मूला सेम रह जाता है तो अभी ए की यहाँ पर देखिए ए ई का स्क्वायर ए का स्क्वायर क्या है आपका एट एट जाए सिक्सटी फोर और ए का स्क्वायर आपका ट्वेंटी फाइव और बी स्क्वायर आपको निकालना है तो यहाँ पे आपका बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी सिक्सटी फोर माइनस ट्वेंटी फाइव और ये वैल्यू होगी फोरटीन माइनस फाइव नाइन और इधर फाइव माइनस कितना बजाई आपका टू तो ये आपका थ्री थर्टी नाइन तो इस तरह से आपको मिलेगा यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी ये ए स्क्वायर की वैल्यू ट्वेंटी फाइव और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी थर्टी नाइन कहाँ पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर वन में सो so, यहाँ पर पहली बात तो इक्वेशन ही बदल जाएगी ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की फॉर्म होगी और ए स्क्वायर की जगह पे आपका वैल्यू आएगा कितना ट्वेंटी फाइव और बी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आएगा थर्टी नाइन ये थी आपकी फाइनल इक्वेशन ऑफ आई पर बोला और अभी क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखेंगे यहाँ वटिक्स दिया है जीरो प्लस माइनस थ्री जीरो प्लस माइनस थ्री और फोकाई दिया जीरो प्लस माइनस फाइव देखिए जीरो प्लस माइनस फाइव जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपकी थ्री और ई की वैल्यू फाइव आ जाएगी जब ए की वैल्यू फाइव आई ए की वैल्यू थ्री तो फॉर्म तो देखो यही बनेगी और यहाँ पर ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ए का स्क्वायर नाइन प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन और ये हो गया आपका कितना सिक्सटीन और पुट करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू नाइन एंड बी स्क्वायर की वैल्यू सिक्सटीन कहाँ इक्वेशन नंबर वन में तो ये होगा आपका नाइन और बी स्क्वायर की जगह होगा सिक्सटीन तो ये बनी आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर टेंथ देखेंगे यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस में दिया है फोकाए और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ दिया है आपको ठीक है तो पहले मैं फोकाई देखता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टेन में फोकाई दिया है आपका प्लस माइनस फाइव कॉमा ज़ीरो और जो लेंथ ऑफ तो ट्रांसफर्स एक्सिस होती है आपकी टू ए इसकी वैल्यू एट दे रखी है लेंथ ऑफ तो ट्रांसफर्स एक्सिस देखिए देखिए सेकेंड नंबर पे डैट इक्वल टू टू है इक्वल टू एट तो यहाँ पे ए की वैल्यू फोर आ जाएगी अब ए की वैल्यू फोर आ गई जब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ में एफ इक्वल टू प्लस माइनस ए ई e कोमा जीरो से तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको ये फाइव होगी ए की वैल्यू फोर है यूज करेंगे क्या ए e का स्क्वायर इक्वल टू क्या आता हमारा ए स्क्वायर प्लस बी तो इसकी वैल्यू आएगी ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव सिक्सटीन फोर या सिक्सटीन प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ से आपको बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन डट्स इक्वल टू नाइन सो पुट कीजिएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन एंड बी स्क्वायर इक्वल टू नाइन इन इक्वेशन क्या होगी आपकी यहाँ पे देखिए पहले वाला केस है जो फर्स्ट केस है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आपका फोकस लाई कर रहा है तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन तो क्या इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई सिक्सटीन माइनस वाई स्क्वायर बाई नाइन इक्वल टू वन तो देखिए आपका फाइनल इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर टेंथ के लिए और अभी देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन और इलेवंथ क्वेश्चन में आपको दिया है फिर से बिल्कुल सेम इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर इलेवन में यहाँ पर फोकाई है आपका ज़ीरो प्लस माइनस थर्टीन और इस बार कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ दिया है कॉन्जुगेट थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट कितना है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि टू बी है टू बी की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने ट्वेंटी फोर तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी फोर बाई टू ट्वेल्व और यहाँ पर कंपेयर करेंगे किसके साथ फोकस को एफ जीरो कॉमा प्लस माइनस ए से तो ई e की वैल्यू कितनी आ गई थर्टीन बी की वैल्यू आ गई ट्वेल्व और फार्मूला क्या था आपका ए e का स्क्वायर इक्वल जो हम करते आ रहे थे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपकी थर्टीन का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू वन फोर्टी ए स्क्वायर तो कैलकुलेट करना है बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वन फोर्टी फोर और ये होगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू वन सिक्सटी नाइन माइनस वन फोर्टी फोर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो ए की वैल्यू आपकी फाइव आ गई बल्कि हमें ए स्क्वायर ही कैलकुलेट करना है तो पुट ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एंड बी स्क्वायर इक्वल टू वन फोर्टी फोर इन इक्वेशन क्या होगी देखिए यहाँ पे ये सेकंड वाला केस है क्योंकि फोगा आपकी वाई एक्सिस पे लाई कर रही है तो ये होगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन इसमें पुट कर दीजिएगा सो इक्वेशन ऑफ हाई बोला जो हमें चाहिए क्या होगी इसकी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बोले तो ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बोले तो वन फोर्टी फोर इक्वल टू वन तो स्टूडेंट ये है आपका फाइनल इक्वेशन और हाईपर बोला और अभी आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा ट्वेल्थ और ट्वेल्थ क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी इन्होंने चेंज कर दी है लेटेस्ट रेस्टम के टर्म्स में क्वेश्चन दिया देखो तो so, यहाँ पर आपको फोका ही दिया है थ्री रूट फाइव कोमा जीरो और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी कि टू बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू दी है आपको कितनी एट तो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिलती है ए स्का बी स्क्वायर के बीच में रिलेशन आता है तो यह आ जाएगा टू बी स्क्वायर इक्वल टू एट ए टू सेट कैंसिल करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी फोर ए और जब आप इसको कंपेयर करेंगे किसको फोकस को किसके साथ में होका प्लस माइनस ए कोमा जीरो से तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी थ्री रूट फाइव थ्री रूट फाइव तो ये हो जाएगा देखो अभी हम यूज करते हैं ए ई e का स्क्वायर जैसे कि हम करते जा रहे थे ये इक्वल टू क्या था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर थ्री रूट फाइव का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्र की वैल्यू फोर ए के बराबर है तो आप देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा थ्री थ्री या नाइन फाइव या फोर्टी फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस फोर ए तो इक्वेशन बनी आपकी और, ए स्क्वायर प्लस फोर ए और प्लस फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव इक्वल टू जीरो तो मीटर स्पीडिंग करते हैं ए स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस नाइन ए माइनस फाइव ए माइनस फोर्टी फाइव इक्वल टू जीरो ए कोमा ए माइनस नाइन और ए A प्लस नाइन माइनस फाइव कॉमन ए प्लस नाइन इक्वल टू जीरो इस तरह से आपके दो फैक्टर बनेंगे एक ए माइनस फाइव और ए प्लस नाइन इसका प्रोडक्ट आपका जीरो है इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक जीरो है तो एक्वा माइनस फाइव का टू तो जीरो विल गिव यू रिजल्ट ए इक्वल टू फाइव और ए प्लस नाइन इक्वल टू जीरो से आपको मिलेगा ए इक्वल टू माइनस थ्री माइनस नाइन जो कि नॉट पॉसिबल क्योंकि ये लेंथ है तो इसके अकॉर्डिंग टू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का एटीन है और लेंथ नेगेटिव नहीं होती तो ये पॉसिबल नहीं है तो ए इक्वा टू फाइव हुआ यदि ए इ टू फाइव है तो बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई देखो तो फ्रॉम वन फ्रॉम वन बी स्क्वायर की की फोर इंटू फाइव इक्का टू ट्वेंटी एंड ए का स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी ट्वेंटी फाइव तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा जब देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर आपका लाई करता है फोकस तो आपका ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस होता है यहाँ पर इक्वल टू वन तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू ट्वेंटी फाइव रखिएगा बी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू ट्वेंटी इक्वल टू वन तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ट्वेंटी फाइव माइनस वाई स्क्वायर बाई ट्वेंटी और अभी हम क्वेश्चन देखेंगे थर्टीन क्वेश्चन यहाँ पे थर्टीन क्वेश्चन आपको दिया गया है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका ट्वेल्थ था और अभी थर्टीन क्वेश्चन में दिया आपको फोका ए फोर प्लस माइनस प्लस माइनस फोर को मैं जीरो और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फिर से दिया ओके okay. तो फिर इसी में कलेक्शन करके करता हूँ ना ये होगा प्लस माइनस फोर को मैं जीरो तो ये तो आपका फोर हो गया और ये आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रैक्टम ये कितना दिया है आपको ये दिया है इस बार ट्वेल्व तो यहाँ पर देखिए आपका टू बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व है यहाँ पर यदि ट्वेल्व हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा टू से आपका सिक्स आ जाएगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू सिक्स से आ गया अब इससे जब कंपेयर करेंगे प्लस माइनस ए से प्लस माइनस ए को मीरो तो यहाँ से आपको आएगा ए की वैल्यू कितनी होगी फोर अब ए स्क्वायर इकोटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉमूला जो कि हम यूज करते आ रहे हैं तो ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए ये आपका फोर का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी है सिक्स ए और यहाँ पर कितना हुआ फोर फोर 16 सिक्सटीन और ये हो गया आपका माइनस सिक्सटीन और ए स्क्वायर प्लस सिक्स है तो ये क्वेश्चन बनेगी ए स्क्वायर प्लस सिक्स है माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो और ये वाली हो जाएगी ए स्क्वायर मिल्टन स्पीडिंग करिए देखिए सिक्स के लिए तो ये एट ए माइनस टू ए हो जाएगा और फिर यहाँ पर जो फैक्टर हो जाएगा एट और ये तो माइनस टू तो ये भी एट हो गया यहाँ पर आप लीजिएगा ए माइनस टू और ये होगा ए प्लस एट और ए माइनस टू इक्वल टू जीरो या फिर ए इक्वल टू टू और यहाँ पर ए प्लस एट इक्वल टू जीरो या इक्वल टू माइनस एट ये पॉसिबल नहीं होगा फिर से तो देखो ए की वैल्यू क्या रह गई ओनली टू रह गई और यदि ए की वैल्यू टू है तो बी की वैल्यू कितनी थी सिक्स टाइम ऑफ ए और ये आपका सिक्स टाइम ऑफ है और यहाँ पर टू रखूँगा जाएगा आपका ट्वेल्व और ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी फोर तो देखिए ये आपका एक्सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मैंने बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाला ही केस होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है फोकस तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी फोर थी और बी स्क्वायर की वैल्यू ट्वेल्व इक्वल टू वन और ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्टीन तो अभी जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के लिए और यहाँ पर देखिए आपको इंस्ट्रक्शन चेंज की है थोड़ी सी तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में यहाँ पर आपको दिया गया है वटिक्स दिया हुआ है एक तो ये कितना है प्लस माइनस सेवन कोमा जीरो और ई की वैल्यू दी गई है डेडी फोर बाई थ्री तो इसे किससे कंपेयर करेंगे ये प्लस माइनस ए कोमा जीरो तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल गई सेवन ए की वैल्यू आपकी फोर बाई थ्री है ये आपका पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर तो इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा so, सो इक्वेसन ऑफ हाई बोला ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी तो यूजिंग ईक्वल e टू वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट तो जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो ये हो जाएगा देखो ई स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ पर आप देखेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी ई स्क्वायर माइनस वन दैट इज कितना हो जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है निकालने का है ए स्क्वायर की वैल्यू सेवन सेवन जय फोर्टी नाइन इक्वल टू ई स्क्वायर की वैल्यू सिक्सटीन बाई नाइन माइनस वन तो वैल्यू आती है बी स्क्वायर अपॉन फोर्टी नाइन इक्वल टू सिक्सटीन माइनस नाइन कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका सेवन अपॉन और ये नीचे आ जाएगा आपका नाइन तो इस तरह से आप देखेंगे जो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी नाइन बी स्क्वायर नाइन बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी ये होगा थ्री फोर्टी थ्री और बी स्क्वायर की वैल्यू आगे देखो आपको थ्री फोर्टी थ्री अपॉन नाइन अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट है तो पुट ए स्क्वायर इक्वल टू फोर्टी नाइन एंड बी स्क्वायर इक्वल टू थ्री फोर्टी थ्री अपॉन नाइन इन इक्वेशन क्या हो जाएगी देखो यह ये यहाँ एक पर देखिए आपका जब वट एक्सर एक्स के ऊपर दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी देखो एक्स स्क्वायर अपॉन फोर्टी नाइन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन थ्री फोर्टी थ्री और नाइन ऊपर चला जाएगा तो माइनस नाइन वाई स्क्वायर अपॉन थ्री फोर्टी नाइन हो जाएगा ये थ्री फोर्टी थ्री और ये इक्वल टू होगा वन तो इस तरह से ये आपके आई फाइनल इक्वेशन फॉर द हाइपर बोला तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन और यहाँ पर आपको दिया है फोकाई देखिए जीरो कोमा प्लस माइनस रूट टेन का मतलब ये आपका सेकंड केस हो जाएगा क्योंकि जीरो कोमा प्लस माइनस ए यानी कि ये वाई लाई करता है तो यहाँ पर आपको फोकाई दिया गया है और वैल्यू है जीरो कोमा प्लस माइनस रूट टेन और एक पॉइंट दिया जिसे ये पास करता है और ये पॉइंट है आपका टू कोमा थ्री चलिए तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन जिससे आपको क्या पता चलता है देखो जब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ में ज़ीरो कोमा प्लस माइनस ए से तो क्या हो जाएगा देखो ये आपका ए का वैल्यू मिल जाएगा ए का वैल्यू कितना हो गया आपका टेन रूट तो यहाँ से और इसका मतलब क्या हुआ ए का मतलब जो ए का स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है आपको मालूम है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितनी हो जाएगी वैल्यू स्क्वायर कीजिएगा इसका टेन इक्वेशन नंबर वन हम इसको कहेंगे ठीक है तो अभी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देखिए अब यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है इसका फोकस तो ये हम लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन अब ये टू कॉमा थ्री जो पॉइंट है ये इसके ऊपर लाई करता तो को को तो है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो एज ए पॉइंट है टू कोमा थ्री लाइज ऑन पैरा बोला हाइपर तो इसकी इक्वेशन टू है सो so, पुट करेंगे तो क्या होगा ये होगा नाइन अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यू हो जाएगी आपकी नाइन अपॉन और ए स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर को लिख सकते हैं आप लोग टेन माइनस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा टेन माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर अपॉन और बी स्क्वायर की जगह तो बी स्क्वायर है इक्वल टू वन तो ये क्या हो जाएगा देखो नाइन बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम ऑफ टेन माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू टेन माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वन चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइन बी स्क्वायर माइनस फोर्टी प्लस फोर बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा टेन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और अभी आप देखेंगे यदि मैं बी स्क्वायर को के मान लूँ तो, तो मैं शोल्ड करता हूँ ये हो जाएगा आपका इधर लाता हूँ तो बी स्क्वायर का स्क्वायर और फिर ये ट्वेंटी थ्री हो जाएगा टेन को इधर लाता हूँ तो ये आपका नाइन और फोर थर्टीन और थर्टीन के साथ ये आएगा आपका माइनस फोर तो जब हम माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर रहे थे इसको तो देखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका थर्टीन माइनस टेन प्लस थ्री बी स्क्वायर और माइनस का हो गया आपका फोर्टी तो अभी देखिए यहाँ पर मैं पुट करता हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर मैं के पुट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका देखो के स्क्वायर प्लस थ्री के माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो मिल्टर स्पीडिंग करेंगे तो आएगा के स्क्वायर प्लस एट के माइनस फाइव के माइनस फोर इक्वल टू जीरो और यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी के स्क्वायर और के कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से तो आएगा के, के प्लस एट तो माइनस फाइव के प्लस एट इक्वल टू जीरो तो शॉर्ट करने पर आएगा आपका दो फैक्टर हो जाएंगे के माइनस फाइव और दूसरा जाएगा के प्लस एट इक्वल टू जीरो यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगे के की वैल्यू आएगी फाइव के की वैल्यू आएगी फाइव और दूसरी आएगी के की वैल्यू माइनस एट और वैल्यू किसकी है के किसी वैल्यू तक कोई याद अच्छी तरह ये जो के किसकी वैल्यू है ये आपका बी स्क्वायर का वैल्यू है एम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू फाइव और बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एट तो ये वैल्यू तो आपकी नॉट पॉसिबल होगी ये तो हो ही नहीं सकता तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी फ़ाइव अब यदि बी स्क्वायर की वैल्यू फाइव आ गई तो हम कहाँ रखेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ से मिलेगा आपको यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन माइनस वैल्यू बी स्क्वायर तो कितना मिलेगा तो ये हो जाएगा आपका देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू फाइव रख देता हूँ तो ये वैल्यू आ गई फाइव तो ध्यान रहे स्टूडेंट यहां पे आपका ए स्क्वायर की वैल्यू भी फाइव और बी स्क्वायर की वैल्यू भी फाइव दोनों को उठा करके हम कहां रखेंगे देखिए सो इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला क्या हो जाएगी यहां पे देखिए वाई एक्स पर y एक तो फोकस लाइट कर रहा है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन और यहां पर देखिए वाई स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है फाइव माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन और बी स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी है आपकी फाइव इक्वल टू वन तो दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन ऑफ पैराबोला को मैं गोल कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि जो आपका रेक्टेंगल में ये आपका फाइनल आंसर है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिए यहाँ पर हमने अभी चेंज नहीं किया है तो ये फिफ्टीन क्वेश्चन है इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज और इस तरह आपकी एक्सरसाइज एलेवन पॉइंट फोर कंप्लीट होती है होप आपने एंजॉय किया होगा अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में टेक केयर